जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं, बहुत सी बेटियां ऐसी हैं और बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने घर खर्च को चलाने के लिए अब ये काम कर रही है। हालांकि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरे साथ जो है वो उषा जी हैं, जो जम्मू में ही कालिका कॉलोनी में रहती हैं। लेकिन उनकी अगर आप जगह देखेंगे ना, तो आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने मोमो सेल करने के लिए कौन सी जगह चुनी है। हालांकि जहां महिलाओं की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट नगर में है, यहां पर आपको महिलाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन इनके जज्बे को सलाम करना होगा कि ये यहाँ पर है। क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट नगर का हम नाम ही लेते हैं, तो वहां पर महिलाएं जो है वो देखने को मिलती नहीं है। लेकिन इस बीच यहाँ पर ये जो है इन्होंने मोमोज का स्टॉल लगाया है, और इसके साथ साथ सूप भी है, यानी ये मोमोज बेचती है और इसके साथ इनके पास सूप भी है। उषा जी से बात करते हैं। उषा जी, जैसे आपने बताया कि आप कालिका कॉलोनी की रहने वाली हैं, तो आप बताएंगे कितने महीनों से आप ट्रांसपोर्ट नगर में ही यहाँ पर ये स्टॉल लगा रही हैं मोमोज का? 7 महीने 8 महीने हो गए। 7 महीने 8 महीने आपको हो गए, तो कोई मजबूरी है आपकी या शौक से करती हैं आप? मजबूरी समझो, मम्मी बीमार है, उनकी दवाइयाँ दवुइयाँ के लिए, और बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए खर्चा करना मुश्किल हो रहा था बाकी और काम करके। फिर सोचा चलो मोमो लगा लेते हैं, यहाँ पे मोमो बिकते हैं और मेरे को बनाना भी आता है सब कुछ। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने कहा कि चलो मोमोज का काम करते हैं, आपने इससे पहले कोई और काम ट्राई किया यहाँ पे? हाँ, कपड़े सिलाई का किया, इतना अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, अभी आप 7-8 महीने से मोमोज बेच रही हैं, तो क्या आपके मोमोज के काम से आपको फायदा हो रहा है? फायदा भी हो रहा है और लोगों का मतलब रिस्पॉन्स भी मिलता है कि अच्छे मोमो है, तो खुशी मिलती है उससे, फिर और बनाने का मन करता है। अच्छा, लोग कहते हैं आपके मोमोज अच्छे हैं? हाँ, फेमस है। आपने बच्चों की बात की है कि मम्मी बीमार है और घर पे बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं आपके घर पे? अभी तो एक ही लड़की है मेरे पास। एक ही लड़की है, कितने सालों की है? हो गई 20-25 साल की। 20-25 साल की, तो बेटी क्या करती है? बेटी अभी पढ़ाई कर रही है। और आप इस साइड आ जाए और ये मोमोज बनाने में हेल्प करते हैं। हाँ, सबसे बेहतर ना यही बात जानना चाहूंगी, सुबह कितने बजे आप शुरू करते हैं बनाना? हम लोग मंडी जाते हैं सुबह, है ना, तो फिर घर पे मम्मी भी हेल्प कर देते हैं गोभी शोभी काटने में, और मैं आटा शाटा गूंथती हूँ, फिर बाद में बहन भी आती है, फिर 3-4 लोग मिलके बनाते हैं। सुबह कितने बजे शुरू करती हैं आप? यही 6-7 बजे। 6-7 बजे कब तक ये पूरा आपका रेडी हो जाता है मोमोज भी? 2 बजे तक। 2 बजे तक चटनी भी खुद बनाती है? हाँ, खुद ही बनाती है। अच्छा, आप कालिका कॉलोनी में रहती हैं, ट्रांसपोर्ट नगर है यहाँ पर, आपको कभी डर नहीं लगता? क्योंकि यहाँ पर सारे जितने भी गाड़ियों के ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्ट नगर है इसका नाम, तो ज्यादातर यहाँ पर जो है मेल ही होते हैं, मतलब आदमी होते हैं, औरतें नहीं होती, तो कोई डर खतरा नहीं? किस बात का खतरा है, वो भी तो इंसान ही है, मेल्स भी। अच्छा, तो क्या आपको मतलब सपोर्ट करते हैं यहाँ के जो मेल? सभी सपोर्ट करते हैं, आंटी बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं कि आप अच्छे काम कर रहे हो, ऐसे बोलते हैं। कितने बजे यहाँ पर आपका स्टॉल शुरू होता है? हमारा ये 4 बजे से। 4 बजे से कितने बजे तक आप बेचती हैं यहाँ पे? कभी 7-8 बजे खत्म हो जाता है, चले जाते हैं, वैसे 9 बजे तक रहते हैं। वैसे 9 बजे तक रहते हैं, यानी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि ट्रांसपोर्ट नगर में ये, आप ना इस एरिया को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन है, आगे बहुत से यार्ड्स हैं, लेकिन उषा जी की जो बात है ना वो काफी पॉजिटिव है कि यहाँ पे कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है। जैसे हम सोचते हैं यार यहाँ पे तो औरतें देखने को नहीं मिल रही, तो बताइए कभी औरत यहाँ पे देखने को भी नहीं मिलती? तो कभी नहीं मिलती है ना? मैं भी सोचती हूँ पता नहीं क्यों देखने को नहीं मिलती है औरतें। आप 7-8 महीने से पता चला औरतें क्यों नहीं आती यहाँ? नहीं, कुछ नहीं लगा मेरे को, तो सब ऐसे भाई जैसे बेटे जैसे ही लगते हैं, कुछ ऐसा तो नहीं दिखा। इनकी इस बात ने ना मेरे दिल को ना, जो कहते हैं ना, बड़ा ही गार्डन गार्डन कर दिया कि सारे भाई हैं, सारे बेटे जैसे ही लगते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि देखो। और जिस तरह से बात करते हैं ना, उन्होंने कहा कोई खतरा महसूस नहीं हुआ आपको? नहीं नहीं। तो कभी लेट हो जाती हैं तो कैसे जाती हैं यहाँ से घर? ऑटो शॉटो मिल जाता है रास्ते में। हाँ, मिल जाता है, आधा रास्ता चल के जाते हैं, आधे में ऑटो मिल जाता है किराया। उषा जी से बात करते हो, ये भी पता चला कि इन्होंने और बिजनेस, कपड़े का बिजनेस भी शुरू किया था, लेकिन उस तरह से मुनाफा नहीं हुआ, तो इनकी मजबूरी थी, इनकी मदर बीमार है, इनकी एक बेटी है, तो इन्होंने जो है वो अपने घर खर्च में कंट्रीब्यूशन करना था, तो इसीलिए इन्होंने मोमोज का स्टॉल शुरू किया है। और इनका मोमोज का स्टॉल जो है बिल्कुल ट्रांसपोर्ट नगर के सामने ही है, तो हम चाहेंगे, आपने बहुत से लोगों को सपोर्ट किया है 7-8 महीने से यहाँ पे जो है इन्होंने अपना मोमोज का स्टॉल है, सूप है इनके पास और चटनी है मोमोज की जो ये खुद ही बनाती है। तो उषा जी कुछ कहना चाहेंगी लोगों को? क्या बोलूं, मतलब कुछ कहेंगी लोगों को कि वो आए आपके पास मोमोज खाएं? हाँ, आते ही रहते हैं, आगे जिसको पता चलेगा वो आए, है ना, ये वीडियो देख के जिसको पता चले, वैसे तो सभी आते हैं। कोई आपके पास मोमोज खाता है, क्या तारीफ करता है आपकी? कि मतलब बहुत जगह खाए ऐसे नहीं मिले ऐसे। आप बताइए, ये सूप आप फ्री में देती हैं या पैसों से देती हैं? पैसों से ही देते हैं, पैसों से बाउल। अच्छा, 10 रुपए का। कितनी प्लेट्स आपकी रोज की लग जाती है? 70-80 लग जाती है। एक प्लेट की क्या कीमत? स्टीम वाली 30 और फ्राई वाली 40।
40 तो कोई मदद करवाता आपकी यहाँ पे, यहाँ अकेले ही करना पड़ता? अकेले ही करना पड़ता, सभी अपने काम में बिजी होते, किससे मदद मांगना। तो आज तो बहुत ठंड है, तब भी आपने यहाँ पे मोमोज का स्टॉल लगाया, तो जैसे अब आप देख रही हैं सर्दियों में दिन कम होते जा रहे हैं, रात जल्दी होती है, तो कोई दिक्कत वगैरह? नहीं कोई दिक्कत नहीं, वही थोड़ी ठंड की प्रॉब्लम होती है। तो ये सारा मैनेज करके आप कालिका कॉलोनी से कैसे लेके आते हैं? टाटा डोर में ही लाते हैं। तो चलिए, ये हमारे साथ उषा जी थी जो जम्मू की है, यहाँ पर ये मोमोज का जो है वो स्टॉल लगाती है ट्रांसपोर्ट नगर में, और मैं आपको इनका ये स्टॉल दिखा दूँ जहाँ पर चटनी है, मोमोज है और सूप है, और साथ ही साथ जहाँ पर स्टीम मोमोज ये 30 के देती हैं और फ्राइड वाले मोमोज 40 के देती हैं। अच्छा, क्या कहेंगी जाते हुए लोगों को कि कहाँ पर है आपका, एड्रेस बता दे ताकि लोग आ जाए? एड्रेस है नरवाल ट्रक अड्डा, पुलिस स्टेशन के पास। ओके, नरवाल ट्रक अड्डा पुलिस स्टेशन के पास, यानी ट्रांसपोर्ट नगर में जब आप आ रहे हैं आपको सामने उषा जी यहाँ पर दिखेंगी काम करते हुए। और 4 बजे आती है आप? यस, 4 बजे, 4 बजे से लेके कभी कभी जल्दी चली जाती है 7-8 बजे, ऐसे 9 बजे तक इनका टाइम है। जैसे आपने सबको सपोर्ट किया ना, आपने उषा जी को भी सपोर्ट करना है, ताकि ये भी कहें कि नहीं, जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो मेरे साथ है, और जो भी इनके मोमोज खाते हैं ना वो कहता है बहुत अच्छे मोमोज बनाए हैं। तो बाकी जो है आप उषा जी को किस तरह से अपनी बेस्ट विशेस देंगे वो आपने लिखना है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन।